दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया भर में डंका बज रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के किसी कोने में बैठकर भारत का एक भगोड़ा सीनियर वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को खुल्लम खुल्ला धमका रहा है। जी, अरबों के घोटाले के आरोपी और जांच से भागकर विदेश में बैठे ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की बकायदा फोटो पोस्ट करते हुए उन्हें ऐसी वार्निंग दी है जिसे सुनकर बॉलीवुड के विलन भी ना कॉम्प्लेक्स खा जाएंगे। दोस्तों, ललित मोदी ने मुकुल रोहतगी से कहा है, आदरणीय मिस्टर रोहतगी जी, मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे भगोड़ा कहने से बचें। आप एक शॉर्ट टर्म वकील हो सकते हैं और इस तरह ये पेशा आपको कॉमेडियन बनाता है। सीधे कह रहा हूं मैं, दोबारा विनम्रता से नहीं कहूंगा। जीवन बहुत छोटा होता है, हर जगह खतरा हो सकता है। बड़े लोग भी दुनिया के कई शहरों की गलियों में पैदल भी घूमते हैं। हाल ही में मैं एक बस की चपेट में आने से बाल बाल बचा। अगर आप मेरी सलाह नहीं मानते तो आप नहीं जानते कि मैं भगवान का पसंदीदा बच्चा हूँ, वो मेरी रक्षा करता है। वकील रातों रात जज को खरीद कर अपने मुवक्किल को न्याय दिलाते होंगे, लेकिन मैं आपको लाखों बार खरीद बेच सकता हूँ। अपने क्लाइंट के लिए जितना हो सके लड़ें, लेकिन मेरे जिक्र में मुझे केवल मिस्टर मोदी कहकर ही संबोधित करें। इसे एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सलाह के रूप में लेना। आप मेरे लिए चींटी की तरह हैं। आपकी खुशनसीबी है कि मुझे चींटियां पसंद है, इसीलिए मैं कुचलूंगा नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं किसी भी अदालत में आपके पीछे जाऊंगा, जहां कभी भी ये प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्व स्तर पर मेरे बारे में कुछ उल्टा कहा हुआ सुनाई देगा। गौर करने वाली बात यह है कि ललित मोदी ने अपने इस पोस्ट में एक हरियाणवी गाने का इस्तेमाल किया। गलत ना होड़ देते ऐसी मारी सोच है, हाई कोर्ट के जज तक मारी अप्रोच है, जिसके बोल बताते हैं कि हाई कोर्ट के जज तक उनकी पहुंच है। अंतरी सी पावर मारी पूरे थाट बाट है, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, और उनका रॉब किसी मंत्री से कम नहीं है। सुना आपने, विदेश में बैठा भगोड़ा ललित मोदी भारत के एक वरिष्ठ वकील को सीधा धमका रहा है भगोड़ा कहने में कि उन्हें वो चींटी की तरह मसल सकता है, कोई भी चलते फिरते बस के नीचे आ सकता है, जज वकीलों को खरीद बेच सकते हैं। मतलब इन बातों का क्या मायने हुआ, क्या क्या मतलब है इन बातों का जो ललित मोदी खुलेआम मुकुल रोहतगी से कह रहे हैं। एक वकील को खुलेआम धमकी दी जा रही है और सरकार तमाशा देख रही है। मेरा सवाल तो बहुत सीधा है, अगर दुनिया भर में हमारा डंका बज रहा है जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं, तो ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं, ये कानून के गढ़घरे में कब आएंगे भाई? एक तो ये लोग हमारे कानून का मखौल उड़ाकर विदेश में मौज काट रहे हैं और अब वहां बैठकर हीरोगिरी दिखा रहे हैं। भारत के कानून का डर तो छोड़िए, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल को धमकाया जा रहा है खुलेआम। एक भगोड़े को भगोड़ा कहा तो बस के नीचे आ सकते हैं, इस तरह की धमकी दी जा रही है। इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए आपको? ललित मोदी तो 90s की फिल्मों की तरह एक डॉन के माफिक खुलेआम धमका रहे हैं देश के एक सम्मानित नागरिक को, और हमारा सिस्टम चुपचाप तमाशा देख रहा है। आप ललित मोदी की ऐसी हिमाकत पर दोस्तों क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी करें।